अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़या सुनाती हूँ इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का, जो कि बहुत ही प्यारा और अच्छा वाक़या है। आप लोग भी अमल कर लें, क्योंकि इस्तग़फ़ार का बड़ा, यानी कि इस्तग़फ़ार जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश हर दिली मुराद पूरी करता है। तो एक वाकया इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे इराक़ के किसी गांव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे वहां से निकाल दिया। पर मैं मस्जिद से बाहर फर्श पर सो गया तो चौकीदार ने मुझे पाँव से पकड़कर और घसीट कर मुझे मस्जिद से दूर कर दिया। फिर एक खुदा तरस आदमी मुझे अपने घर ले गया। वो शख्स चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अस्तग़फ़ार पढ़ता था। सुबह हुई तो मैंने उस शख्स से पूछा, क्या आपको इस्तग़फ़ार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी दुआ कबूल हुई सिवाय उसके कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। तो मैंने कहा, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ और तुम देखो मुझे कैसे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया हूँ। देखो, ये अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला हर इंसान की दिली मुराद पूरी करता है अगर कोई इस पर अमल करे। तो इस्तग़फ़ार जितना भी पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। अगर कोई दिली मुराद हो उसके लिए पढ़ा करो, अल्लाह ताला दिली मुराद पूरी करता है। और अल्लाह से मुझे बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला इंसान की हर ख्वाहिश पूरी करता है। पर थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि सब्र से ही फल मिलता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वाक़या अच्छा लगा, तो ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अज़ीज़ों में रिश्तेदारों में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाक़या के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।